हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और इस लेसन में मैं लेकर आया हूँ आपके डिमांड से बालवीर नाका पुष्कर मास्क। ये मास्क आप बनाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल और इजी तरीका है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ किया हूँ आइवरी शीट। पहले एक मेजरमेंट एरिया निकाल लेते हैं, और मैंने अपने फेस के हिसाब से इसको मेजरमेंट लिया है। आप भी इसी तरीके से इसको मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और हाइट के लिए हमको लेना है ऐसे, यहाँ पे हमको कटना है, ये हमने ले लिया। अब इसको हमको फोल्ड करना है। हाथ को हमको सेंटर में लेना है, और ये आइस की पोजिशन है, और दो फिंगर के गैपिंग में हमको दो लाइन खींचना है। यहां तक आएगा हमारा नोज। ये हमारा लेफ्ट साइड हमने ड्राइंग कर लिया है। ये हमारा टेम्पलेट रेडी है। अब इसको फोल्ड करके हम इसको जो कटिंग है कर लेते हैं। छोटा सा टुकड़े को फोल्ड करके हमको इससे नोज निकालना है। जो हमारा नोज कटिंग हुआ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। अभी यहाँ पे भी इसको सीधा काटना है, ऐसे आप इसको काट लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप काटेंगे। इसको फोल्ड करके हम इसको व्हाइट ग्लू से चिपका देंगे। ये हमारा नोज भी रेडी है। ये कट कर देते हैं यहां से, इसको सीधा कर लेते हैं। अभी नोज को थोड़ा सा दोनों तरफ बैंड कर लेते हैं। इसको हम अभी जोड़ेंगे। इधर इसको हमको एक और लगा देते हैं। सामने से भी एक छोटा सा टुकड़ा लगा देंगे। जो नोज है इसको थोड़ा सा गैपिंग करके इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। ये जो पार्ट है इसको हमको पेस्ट करना है। इसको ऐसे थोड़ा सा एंगल में करना है, एकदम सीधा नहीं करना है, ऐसे एंगल में करेंगे। देते हैं और अपर लिप को थोड़ा सा उंगली से प्रेशर देके इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब ये नोज फिटिंग करना है, इसको अंदर से डालना है, फिर इसको चिपका देना है। इसको सावधानी से चिपकाएगा ताकि दोनों तरफ प्रोपोर्शन बराबर रहे, और ये अंदर वाला पार्ट इसको अंदर चिपका देते हैं। छोटा दो पीसेस लेके हम नाक के कोने पे थोड़ा सा लगा देंगे ताकि इसमें मजबूती बना रहे, ऐसे। यहाँ पे लाइन कर लेते हैं, इधर एक लाइन। अब हम इसको कटिंग करने हैं थोड़ा सा राउंड शेप में। अब इधर थोड़ा सा राउंड करके चिपकाएगा। अंदर से इसको मजबूती देने के लिए छोटा पीसेस को और चिपका दिया। नोज के अंदर भी हम जॉइंट कर दिया, और आइस का ऊपर वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि डायमेंशन निकल आए। और आइस के ऊपर 2 इंच के बराबर कट लगानी है और इसको पेस्ट कर देनी है। बीच में 1-1 इंच का और कट पेस्ट। कॉर्नर का एक्स्ट्रा एरिया जो है उसको हम कट कर देंगे। और ये सेंटर में जो फोल्ड है इसको थोड़ा सा प्लेन करने के लिए हम अंदर से एक और पट्टी काट के इसको चिपका देंगे। ये बनकर रेडी है, और अब हम इसमें करेंगे ब्लैक कलर। तो बड़ा साइज के 2 रबर बैंड लेके एक के अंदर से दूसरे को फंसा के इसे लंबा करेंगे, और छोटा पेपर के टुकड़े से इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
इससे और ये बनके हमारा रेडी है। दोस्तों आई होप कि ये लेसन भी आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।